और बात करेंगे नैनीताल की, जहां पर नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि एडीज में स्थापित 104 सेंटीमीटर व्यास की संपूर्णानंद टेलीस्कोप की स्वर्ण जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई है। इस दौरान सूबे के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने एडीज में आयोजित सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त 50 प्रोफेसरों और कर्मियों को सम्मानित किया है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि गोल्डन जुबली मनाने के लिए वर्ष 1972 में 104 सेंटीमीटर का टेलीस्कोप डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लगाया गया था। उन्होंने कहा कि जो एडीज ने कीर्तिमान हासिल किए हैं वह अपने आप में बहुत बड़ा है। संपूर्णानंद टेलीस्कोप से राष्ट्रीय स्तर पर 400 शोध पत्र छपे हैं। उन्होंने कहा कि एडीज ने 50 वर्षों में जो अपना योगदान दिया है इस पर मुझे बहुत खुशी है। साथ ही कहा कि भारत में टेक्नोलॉजी का एक स्तर बहुत बड़ा है, इस क्षेत्र में जल्द ही विकसित भारत के रूप में देखा जाएगा। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। मेरे को बहुत खुशी है कि भारत का जो साइंटिस्ट हैं, स्पेशली जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में साइंटिस्ट हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो टेक्नोलॉजी है, और भारत का जो टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड अपने आप में बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से एरिस ने कार्य किया है पिछले 50 साल में, और जो मार्ग और जो स्पीड और जो रिसर्च की एक रफ्तार पकड़ी है, तो अवश्य ही भारत को एक विकसित भारत के लिए, एक इस फील्ड में विश्व गुरु बनने के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग देना चाहता है।